अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग का मुर्गी के चूजा में उसका पैर में कुछ धागा फंस गया था। तो इधर रोशनी के अबू उसको पकड़ के मेरे को बोले ब्लेड लेके आओ, फिर उसका पैर को धागा को निकाल देंगे। तो हम लोग धागा को निकाल चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं सोच रही हूँ कि आम का अचार बना लूँ, क्योंकि दोस्तों अभी आम पक जा रहा है ना, तो पक जाएगा तो अचार बनाने के लिए नहीं बन पाएगा। तो मैं रोशनी के अबू को बोली कि चलिए थोड़ा सा आम तोड़ दीजिएगा अचार बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये हम ही लोग का आम है आंगन का और काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो मैं तोड़वा लेती हूँ अचार बनाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आम तोड़कर आ चुके हैं और लगभग मेरा आम 5 किलो जैसे होगा। तो दोस्तों, मैं थोड़ी देर पानी में डुबो के रख दूंगी। और इधर मैं सरोता लेके आ गई हूँ और उसने के अबू को बोल रही हूँ कि आप ही आम का अचार काट दीजिए, अभी बुलबुल भी बदमाशी कर रही है तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं सरोता ला के दे दी हूँ और अभी आम का अचार फाड़ेंगे। 4-4 फाड़ी फाड़ लेंगे एक ठो आम को, और एकदम मीडियम साइज में हम लोग का अचार बनेगा। तो दोस्तों, आप भी इस सीजन में अचार बना रहे हैं कि तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इधर हम लोग अचार तो आज बहुत ही अच्छे से बन रहा है और उधर बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि मम्मी हम लोग के घर में अचार बनेगा, और अचार रोटी भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी आम को अचार बनाने के लिए काट लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आम को अच्छे से अचार के लिए काट चुके हैं। इधर सारा डब्बा भी खाली हो चुका है और इसका गोइहा जो बोलते हैं उसको भी आलिया निकाल चुकी है, और नीचे कंकड़ वगैरह भी लग गया होगा, तो इसीलिए मैं एक बार और आम को धो लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं सारा आम को अच्छे से धो चुकी हूँ और एक डेक्ची में कर दी हूँ। तो इधर मैं हल्दी और नमक मिला के अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको रात भर फूलने के लिए छोड़ दूंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आम को रात भर छोड़ने से आम का कस्सापन निकल जाता है और हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ और एक कपड़े में इसका मुँह को बांध दूंगी और रात भर फूलने के लिए छोड़ दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब अंदर रख देते हैं, रात भर फूलता रहेगा, फिर सुबह इसका अचार बनाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग गांव में इसी तरीके से आम का अचार बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, सुबह हो चुका है और सुबह का भी 10 बज रहा है और मैं सुबह का सारा काम कर ली हूँ, बर्तन वगैरह सारा चीज़ धो ली हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैं आम को रात में फुला के रख दी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका है और उस नमक पानी भी बहुत ही अच्छी तरीके से छोड़ चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको सुपा में खाली कर देते हैं, फिर आम को थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हल्दी का पानी बहुत ही अच्छी तरीके से निकल गया है और मैं जो डेक्ची में करी थी उसको मैं मांज लेती हूँ अच्छे से, नहीं तो नमक उसको कर देगा। तो ये देखिए दोस्तों, 2-3 घंटा हो चुका है, मेरा आम भी अच्छे से सूख गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी का टाइम 2:30 बज रहा होगा करीब, तो अब मैं आम का अचार बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जो जो मेरे को सामान लगेगा उसको मैं अंदर वाला किचन से लेके आती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अचार बनाने का सारा सामान लेके आ गई हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आम को बड़ा सा काप में रख लेती हूँ और जो मैं पीली वाली सरसों मंगाई ही थी उसको भी मैं अच्छे से पीस ली हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब सारे चीज़ को मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा सरसों लगभग 1 पाव जैसे था, तो चलिए दोस्तों, अब इसको मैं अचार में डाल देती हूँ। और इधर ये देखिए, मैं लहसुन मिर्च भी पीस ली हूँ, तो इसको भी अच्छे से इसमें मिला देती हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी और जो मैं अचार का मसाला मंगाई थी उसको भी डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी, फिर सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो दोस्तों, पैकेट वाला अचार के मसाले में बहुत कुछ मिक्स रहता है, इसलिए मेरे को कुछ डालना नहीं पड़ रहा है और बहुत ही अच्छा इसका अचार का टेस्ट भी लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं सारे चीज़ को अच्छे से मिला चुकी हूँ और यहाँ कलश का तेल लाए हैं 1/2 लीटर, उसको भी मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारा मसाला को।
तो ये देखिए दोस्तों मेरा अचार बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब इसको डब्बे में डाल देते हैं। तो दोस्तों इतना आम का सिर्फ दो डब्बा ही अचार हुआ, तो दोस्तों हम लोग दो डब्बा अचार को साल भर खा लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसको धूप में पकने के लिए एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं अचार बनाने के बाद थोड़ा सा आराम कर ली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी धूप कर रहा है, और भी बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाता है ना तो बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है। और दोस्तों मैं रात का खाना सब्जी बना चुकी हूँ, रात के सब्जी में मैं पकोड़े के सब्जी बनाई हूँ। तो चलिए दोस्तों अब अलीजा की अम्मी लोग को भी दे देते हैं, और अलीजा की अम्मी को मेरे हाथ का पकौड़े का सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार उनको बना कर खिलाई थी तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो और बोले थे कि अगर कभी भी बनाना तो मेरे को ज़रूर बना कर खिलाना। तो चलिए दोस्तों अब चल के दे देते हैं। और इतना ज़्यादा अभी धूप चल रहा है ना कि कुछ भी हम लोग वीडियो में भी दिखा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब सारे लोगों को, बाजी लोग को भी दे देंगे और अलीजा लोग को भी दे देंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, सब्जी देने के लिए कटोरी ले आते हैं। तो दोस्तों आज मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा पकौड़ी का सब्जी खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए मैं बना ली। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा मेरा पकोड़े का सब्जी दिख रहा है, और जब मैं ढक्कन खोली ना बहुत ही अच्छा इसमें टेस्टी वाला खुशबू आया, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूला हुआ है। और मैं चलिए दे देती हूँ सबको। तो ये देखिए दोस्तों मैं पकोड़े की सब्जी निकाल चुकी हूँ, तो चलिए दोस्तों अब देने के लिए चलते हैं। इधर अलीजा भी बैठी हुई है, उसको बहुत ज्यादा खांसी हो गया है। चलो अलीजा तुम लोग यहाँ चलते हैं। दोस्तों आज तो अलीजा की अम्मी खुश हो जाएंगी मेरे हाथ का पकोड़े की सब्जी खा के, क्योंकि मेरे हाथ का उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए दोस्तों मैं आ गई हूँ अलीजा लोग के यहाँ, और इधर अलीजा की अम्मी सब्जी बना रहे हैं। क्या सब्जी बना रहे हैं? झींगा सब्जी। झींगा सब्जी बना रहे हैं। तो लीजिए पकौड़ा सब्जी मैं बनाई हूँ, बुला दी हूँ। आपको बहुत ज्यादा पसंद था ना पकौड़ा सब्जी, इसके ला दी, खा लीजिएगा, है ना। और जा रही हूँ बाजी लोग को देने के लिए। तो देखिए दोस्तों मैं सब्जी देकर भी आ गई हूँ, और आज ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो अभी रात का 8 बज रहा है और थोड़ा सा भी हवा भी नहीं चल रहा है, तो बहुत ही अजीबे टाइप का फील हो रहा है। और बच्चे लोग को भी भूख लग रहा है, तो अभी आलिया खाना मांग रही है, तो चलिए दोस्तों अब आलिया को खाना दे देते हैं, फिर बाहर में जाकर बैठेंगे। उधर बाजी लोग के साइड हवा चलेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलो खाना खा लेना। दोस्तों हम लोग खाना वगैरह खा लिए हैं और जा रहे हैं सोने के लिए। तो दोस्तों आज पकोड़े का सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। इधर मेरे बच्चे लोग भी सो गए हैं, देखिए बुलबुल भी सो गई, इधर आलिया भी सोने के लिए हो रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। बाय।